हमने बात टाइम की करी और सुरक्षा की करी, तो अब अगर हम बात करें सफाई की, तो रेलवेज में सफाई व्यवस्था वो किस तरह से बेहतर करी जा रही है? रेलवे में सफाई को अगर हम देखें तो सफाई उसके बेसिकली दो एरियाज हैं, जी एक हमारे रेलवे स्टेशंस और हमारी ट्रेन्स। यस रेलवे स्टेशंस पे जो हमारे बड़े रेलवे स्टेशंस हैं उन पे मैकेनाइज क्लीनिंग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और कभी कभी शिकायतें कुछ आती हैं क्योंकि हमारे जो यात्री हैं जिनसे कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि जो अगर साफ है तो वो साफ रहे, उसको जल्दी बिगाड़ा ना जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो शेल्फ लाइफ है क्लिनलीनेस की वो यस बहुत ही कम होती है। अगर यस उसको कोई ख़राब करना चाहे तो वो मिनटों में ख़राब हो सकती है और उसको दोबारा ठीक करने में थोड़ा समय लग सकता है। यस लेकिन फिर भी रेलवे की तरफ से पूरा प्रयास स्टेशंस के ऊपर, जो बड़े स्टेशंस हैं जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पे करीब हमारे 22 स्टेशंस हैं जहाँ पे कि मैकेनाइज क्लीनिंग है, ओके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी वहाँ पे है। दो स्टेशंस हमारे जोधपुर और जयपुर हैं जिनको कि क्लीन ट्रेन स्टेशन के रूप में उन्होंने नामित किया है। ओके वहाँ पे रुकने वाली हर गाड़ी को मैकेनाइज मीन्स से उनके टॉयलेट्स को उनको क्लीन किया जाता है अच्छी प्रकार से। इसके अलावा ट्रेन्स की जो क्लिनलीनेस है, गाड़ियाँ जब चलती हैं, जब अपनी जर्नी शुरू करती हैं, तो उनकी जो सफाई है वो बहुत ही एक बेहतरीन लेवल की सफाई रहती है, और फिर धीरे धीरे करके डिटोरेशन उसमें होता है। अगर यात्री उसको ठीक से प्रयोग करते हैं तो डिट्यूरेशन ना हो या यस शायद बहुत धीरे डिट्यूरेशन हो, लेकिन उसको भी अकाउंट फॉर करने के लिए हम लोगों ने हमारे ऑन बोर्ड क्लीनर्स होते हैं जो कि ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और वो समय समय पे टॉयलेट्स की क्लीनिंग करते हैं या जो पैसेंजर एरियाज हैं उनकी क्लीनिंग करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जो गाड़ियाँ हैं उनमें से करीब 70 हमारे पेयर्स हैं ओके जिनके ऊपर हम लोगों के यहाँ हमारे जो ट्रैवलिंग सफाई क्लीनर्स हैं वो होते हैं। जी हाँ, तो मतलब ज़रूरत ये है कि जो आम नागरिक हैं वे भी अपने सिविक सेंस को थोड़ा सा उच्च स्तर पर लेके जाएं, बिकॉज़ इट इज़ बोथ वेज,